नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल फूड्स में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज का जो वीडियो है वो मॉइस्चर लेवल की टेस्टिंग के ऊपर है, और जैसा कि हमारे यहां जो है मनीष जी आए हुए थे ट्रेनिंग में और उन्होंने अपने यहाँ का मैदा जो है सैंपल में भेजा हुआ है, और ये दो तरह का दोस्तों मैदा उन्होंने भेजा है कोरियर के थ्रू। और ये देखिए काली पन्नी में है, कोई ब्रांड का नाम तो इसे लिख के नहीं भेजा, काली पन्नी में भेजा है, और ये सफ़ेद पन्नी का दोस्तों मैदा है। और दोस्तों ये चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मॉइस्चर की टेस्टिंग बहुत लोगों को, मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें ये था कि सर मॉइस्चर कितना अच्छा होता है कितना नहीं अच्छा होता है। देखिए मॉइस्चर जो भी आपके जो भी मैदा आपको अपनी मार्केट में मिल रहा है उसके हिसाब से हम बताते हैं कि मॉइस्चर का किस तरह से आप उसको यूज कर सकते हो, कितनी कॉस्टिंग निकलेगी। मेन जो मॉइस्चर का खेल है वो कॉस्टिंग का है। और ये देखिए मैं इसमें लिख भी रहा हूँ कि काली पन्नी का सफ़ेद पन्नी का, और उसकी अभी जो है हम मॉइस्चर की टेस्टिंग करेंगे। और दोस्तों ये सारी बहुत टेक्निकल पॉइंट होते हैं, अगर हमें नूडल्स की फैक्ट्री लगानी है तो दोस्तों ये सारी चीज़ों को समझना जानना टेक्निकलिटी को ये बहुत ज़रूरी होता है, और इसीलिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ ये जो वीडियो आपको बना रहा हूँ। ऐसे तो काफ़ी टेस्टिंग के लिए मेरे पास आते हैं, लेकिन कुछ कुछ वीडियोज़ भी शूट कर लेता हूँ ताकि वो लोग जो मेरे चैनल पर मेरे वीडियोज़ को देखते हैं तो उन्हें इन सब चीज़ों की थोड़ी जानकारी मिल सके, और अगर उनका बिजनेस पे आने का प्लान है तो कुछ जानकारी उनके पास ऐसी हो कि उससे वो नुकसान न खाने पाए। क्योंकि दोस्तों ये इस तरह की जानकारियां हैं कि इसके बारे में कोई कभी बात ही नहीं करता है कि मॉइस्चर क्या होना चाहिए। कोई इन सब चीज़ों की टेक्निकल चीज़ें हैं बहुत लोगों को तो पता भी नहीं होती हैं, बहुत लोग जिनको पता है वो बात भी नहीं करना चाहते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये वीडियोज़ हैं, बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि सर इसका क्या होगा। देखिए जो भी आप वीडियो में देखते हैं उसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं सीखने समझने लायक जिनको कि आप एक प्रश्न के की लाइन पे मैं उसका जवाब आपको नहीं दे पाऊंगा, उसके लिए आपको टच एंड फील की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जैसे कि मॉइस्चर का वीडियो मैंने लगाया है, इसमें आप ये समझिए कि मॉइस्चर क्या होता है, मॉइस्चर को कैसे मैनेज किया जाता है, मॉइस्चर से अगर मॉइस्चर ज़्यादा है होना कितना चाहिए, ये चीज़ें थोड़ी सी अगर आपको वर्बली जानकारी होगी। देखिए अभी आप देखें कि इसमें कितने परसेंट का मॉइस्चर निकल के आता है, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कि मॉइस्चर किस तरह से और कितना होना चाहिए, कितना आइडियल होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो हमने टेस्टिंग किया इसमें 15.8% का मॉइस्चर दोस्तों निकल के आया है। तो होता क्या है दोस्तों, मैं आपको वर्बली एक चीज़ बता दूँ कि जो गेहूँ है, गेहूँ में जो भगवान द्वारा उसे मॉइस्चर दिया जाता है वो लगभग 8% या 8.5% का होता है। अगर बरसात का समय है तो थोड़ा सा मॉइस्चर बढ़ जाता है, अगर गर्मी का है तो 1-8% का ऊपर नीचे चलता है। लेकिन जब मैदा की गेहूं की छिलाई होती है तो मैदे में पानी ऐड किया जाता है। पानी ऐड करने से उसमें कितना पानी ऐड किया जा रहा है उसकी छिलाई करने के लिए, ये डिपेंड करता है उसका मॉइस्चर कितना होगा, और उसी हिसाब से दोस्तों आपका जो वेट लॉस जो आपका आता है माल को सुखाने के बाद, वो इसी मॉइस्चर की वजह से ही आता है। तो ये चीज़ें जैसे कि बहुत लोग फैक्ट्री लगाते हैं, बहुत से नए लोग जो फैक्ट्री लगाते हैं उन्होंने बोलते हैं कहीं का मैदा ले लो। मैंने बहुत से टेक्निकल चीज़ें अगर दोस्तों समझ में नहीं आएंगी, मान लीजिए 15% 18% 17% का मॉइस्चर का मैदा है तो आप अगर उसकी शॉर्टेज देखोगे तो लगभग 1 क्विंटल पे 10 kg की शॉर्टेज आपको मिलेगी। मतलब ये इतनी बड़ी शॉर्टेज है दोस्तों कि अगर उसका आपने कैलकुलेशन नहीं किया है तो आपको भारी भरकम नुकसान लगेगा उसमें। तो ये चीज़ें टेक्निकल होती हैं, थोड़ा समझने वाली हैं कि हाँ ये हमें कितने परसेंट का मॉइस्चर चाहिए, अगर हमें ज़्यादा मॉइस्चर का मिल रहा है तो कितनी हमारी कॉस्टिंग आएगी। इन सभी चीज़ों को दोस्तों समझना बहुत ज़रूरी होता है एक नए फैक्ट्री जो फैक्ट्री लगा रहे हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें। देखिए ये जो मैदा है जो सफ़ेद पन्नी में था ये 15.1% का मॉइस्चर है, और जो हमने काली पन्नी में लिया था वो 15.8% का है। मतलब बहुत ज़्यादा खास अंतर नहीं है। अगर अच्छा मैदा होता है दोस्तों तो बरसात के समय भी वो 13% 13.5% से ऊपर नहीं जाना चाहिए उसे, नहीं तो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर डिफरेंस आपका आएगा। और आइडियल दोस्तों जो मॉइस्चर है गर्मी के समय में वो लगभग 11.5 से 12% या 12.5%, और बरसात ठंडी के समय में 13 13.5% तक होना चाहिए।